नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी रोज़ की तरह आपके लिए लेकर आ गया हूँ करंट अफेयर। दोस्तों, आज हम लोग इस क्रॉनिकल मैगज़ीन की सीरीज में पढ़ेंगे पुरस्कार और सम्मान। दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर किया है तो इग्नोर करें। आइए हम लोग देखते हैं पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार सम्मान में हम लोग पहले पढ़ेंगे पांच हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया है। पांच हस्तियों को भारत रत्न सम्मान दिया गया, ये हम लोग देखते हैं। केंद्र सरकार ने 2024 में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की है। दोस्तों, इसमें लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं इनको छोड़ दिया जाए तो सबको मरणोपरांत जो है भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। अभी तक सिर्फ चार भारत रत्न पुरस्कार एक साथ 1999 में दिए गए थे, ये पहली बार है कि पांच लोगों को एक साथ दिया गया है। इस सम्मान को प्राप्त करने वालों की संख्या अब 53 हो गई है। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर दो बार बिहार के मुख्यमंत्री थे और एक बार बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, इसलिए इनको दिया गया। इन्होंने अच्छे अच्छे काम भी किए थे, इसलिए दिया गया। लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें तो 2015 में आडवाणी को दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आडवाणी पांच बार लोकसभा और चार बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। ये पहली बार 1977 से 1979 तक जो सरकार थी मोरारजी देसाई की, उसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। आडवाणी 1999 से 2004 मतलब जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब ये गृह मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था और कुछ समय तक ये उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो और उसके बाद जब 1992 में जो अयोध्या का राम मंदिर आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व लाल कृष्ण आडवाणी जी ने ही किया था, आप लोगों को पता होगा। अगले हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह को किसान राजनेता कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह को किसान राजनेता कहा जाता है। ये पांचवें प्रधानमंत्री थे भारत के। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक था। ये दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इसलिए ये अत्यधिक इम्पॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की दृष्टि से। बात करते हैं PB नरसिम्हा राव को, तो PB नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। इन्होंने अपने कार्यकाल में आर्थिक उदारीकरण लागू किया था जिससे इन्हें आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। दोस्तों, जब ये प्रधानमंत्री था उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। दोस्तों, अगले हैं MS स्वामीनाथन, कृषि वैज्ञानिक हैं ये। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 1967 में पद्मश्री मिला था, 1972 में पद्म भूषण और 1989 में पद्म विभूषण। दोस्तों, 2024 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। दोस्तों, बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, दोस्तों क्रम ही पूछ लिया जाता है तो दोस्तों याद रखिएगा, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देने की घोषणा किया गया, अभी दिया नहीं गया है, अभी चयनित किया गया है दो लोगों को, जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी को और प्रसिद्ध उर्दू गीतकार हैं गुलजार। गुलजार को संपूर्ण सिंह कालरा के नाम से भी हिंदी सिनेमा में इन्हें जाना जाता है और ये अपने जो है लोकप्रिय उर्दू कवियों के लिए जाने जाते हैं, ये लोकप्रिय उर्दू कवियों में से एक हैं। बात करें राम भद्राचार्य की तो वर्तमान में ये चार जगत गुरु रामानंदाचार्य जो हैं उनमें से एक हैं और 1982 से इस पद पर बने हुए हैं। वो चित्रकूट में तुलसी पीठ के प्रमुख भी हैं। 2015 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। 1961 में स्थापित ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। कब से दिया जाता है? 1961 से यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके अंतर्गत क्या दिया जाता है? 21 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक वाघ देवी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र ज्ञानपीठ पुरस्कार में इतना दिया जाता है। आइए हम लोग देखते हैं शशि थरूर। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है।
मिला हुआ है। 20 फरवरी 2024 को प्रख्यात लेखक और राजनेता तो ही हैं शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इस सम्मान का नाम क्या है? सेवेलियर डी ला लीजन डी होनूर इसका नाम है, यही सम्मान इनको दिया गया है। और फ्रांस सरकार ने इस सम्मान देने की घोषणा इन्हें अगस्त 2022 में ही कर चुका था फ्रांस। आइए देखते हैं बाफ्टा पुरस्कार 2024, अक्सर ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं, इसलिए हमको ये पढ़ना भी जरूरी है। पहले इसका क्रम जान लेते हैं। ये 77वां था बाफ्टा पुरस्कार और ये ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड इसे भी कहा जाता है। यह जो है लंदन में एक आयोजित हुआ था सेरेमनी, उसी में ये दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पहले जान लेते हैं, तो ओपेनहाइमर सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन को मिला है, वो भी ओपेनहाइमर की दृष्टि से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार लीडिंग एक्ट्रेस जो हैं इनको एम्मा स्टोन को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जो है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को मिला हुआ है। दोस्तों आइए हम लोग देखते हैं ग्रैमी अवार्ड 66वां क्रम जरूर याद रखिएगा। 66वां ग्रैमी अवार्ड को अमेरिका के लॉस एंजलस में 66वीं ग्रैमी अवार्ड समारोह में आयोजित किया गया, वहीं पे इसे दिया गया। इसे दिया गया किसको, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसको दिया गया है? तो संगीत समूह शक्ति ने दिस मोमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत एल्बम की श्रेणी में 2024 का पुरस्कार जीता। ये ग्रुप कहाँ का है? ये भारतीय संगीतकारों का ग्रुप है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये जीतने वाले 5 भारतीय संगीतकार हैं। आइए हम लोग सबका नाम जानते हैं। तबला वादक हैं जाकिर हुसैन, अक्सर मिलाने को दे देता है तबला वादक कौन है, तो जाकिर हुसैन। बांसुरी वादक हैं राकेश चौरसिया, गायक हैं शंकर महादेवन, वायलिन वादक हैं गणेश राजगोपालन, ताल वादक हैं सेलवा गणेश विनायक राम। अगला पुरस्कार हम लोग देखते हैं, पीटी ऊषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। पीटी ऊषा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने दिया? स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI और दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से 4 फरवरी 2024 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? पीटी ऊषा को। दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न है कि पीटी ऊषा को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। दोस्तों इसी के साथ हमारे वीडियो का अंत होता है। दोस्तों अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।